इस वक्त आप जो चुके हैं वॉइस ऑफ एमपी से, मैं आपके साथ सिमरन। इस वक्त की एक बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि एमपी में रेमडेसिविर के नकली इंजेक्शन रैकेट के बाद अब कोरोना की नकली टेबलेट बिकने का जो खुलासा हुआ है, जहां इसमें पता चला है कि फेविमेक्स 400 नाम की 40,000 नकली टेबलेट ओडिशा के ग्वालियर से में खपाई गई है। इस रैकेट का ओडिशा में भांडाफोड़ होने के बाद यहां खुलासा हुआ कि जो दवा पर जिस कंपनी का नाम है, जो छपा है जिस कंपनी का नाम, वो है ही नहीं। यहाँ दरअसल जो डॉक्टर कोरोना के लक्षण कम लक्षण वाले मरीजों को जो दवाई लिखकर देते हैं उसका नाम फेविपिराविर टेबलेट लिखते हैं, जो इसी मॉलिक्यूल का हवाला देकर फेविमेक्स 400 नकली टेबलेट बनाई गई है। जहाँ निर्माता कंपनी का नाम मैक्सरी लाइफ हेल्थ केयर सोलन हिमाचल प्रदेश में प्रदेश लिखा है, जो जबकि हिमाचल प्रदेश में इस नाम की कोई कंपनी नहीं है। जहाँ मध्य प्रदेश में नकली रेमडेसिविर इंजेक्शन के बाद अब कोरोना की नकली दवा फेविमेक्स 400 टेबलेट बिकने का खुलासा हुआ है, ये इस वक्त की बड़ी खबर है। ग्वालियर चंबल अंचल में फेविमेक्स 400 की ये नकली टेबलेट ओडिशा की कंपनी ने खपाई है। जी हाँ, ओडिशा ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट से जानकारी मिलने के बाद ग्वालियर प्रशासन हरकत में आ गया है। वही ड्रग डिपार्टमेंट ने एक मेडिकल एजेंसी पर छापा मारकर फेविमेक्स 400 की 500 टैबलेट बरामद की है, जहां 320 टैबलेट सैंपल जांच के लिए भोपाल भेजी जा रही है। ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है कि जो रेमडेसिविर इंजेक्शन के पहले नकली इंजेक्शन बेचे जा रहे थे और अब कोरोना के कम लक्षण वाले मरीजों को भी अब नकली दवाइयां दी जा रही है। जय, ये इस वक्त की एक बड़ी खबर है जो मैंने आपको बताई। ऐसे हर छोटी से बड़ी अपडेट्स के लिए लाइक शेयर सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल वॉइस ऑफ एमपी को। जय हिंद, जय भारत।